कर्म का फल। हिंदी कहानी। एक संत अत्यंत सरल स्वभाव के थे। वे जब भिक्षा मांगते थे तो कहते थे, परमात्मा के नाम पर दे दो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। उस नगर में एक उल्टा व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। जब वह स्त्री संत के वचन सुनती है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, तो वह सोचती है कि यह संत मुझे तो नहीं सुनाता है। उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि कैसे इस संत को मार दूं। स्त्री ने दो लड्डू खूब घी मेवा आदि डालकर बनाए और उनमें जहर मिला दिया। जब वह संत उस स्त्री के दरवाजे से गुजरा तो उसने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। स्त्री सुनकर बाहर आई। उसने संत से कहा कि यह दो लड्डू तुम्हारे लिए ही बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्हें अभी खा लेना। ऐसा कहकर संत को दे दिए। संत तो सरल स्वभाव का था, उसने लड्डू के लिए और आगे बढ़ गया। आज उसे भिक्षा कुछ ज़्यादा ही मिल गई थी। वहाँ अपने कुटी पर आया, उसने भिक्षा में मिले अन्य पदार्थ खा लिए, लड्डू वैसे ही रहे। संत ने सोचा कि इतने अच्छे लड्डू हैं, इन्हें कल खा लूँगा। उसी रात को उस स्त्री के पति और पुत्र कहीं बाहर से आ रहे थे। वे बहुत थक गए थे और भूख भी लग रही थी। दोनों ने सोचा कि संत की कुटी पर कुछ समय विश्राम कर लेते हैं। जब वह संत के पास पहुँचे तो संत ने उन्हें बैठाया। पुत्र ने कहा कि बाबा, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दीजिए। संत ने वे दोनों लड्डू एक पिता को और एक पुत्र को खाने के लिए दे दिए। लड्डू खाने के बाद दोनों का प्राणांत हो गया, वे दोनों मर गए। जब वह स्त्री संत के पास आई तो सिर पटक कर रोने लगी। यह लड्डू तो मैंने ही संत को मारने के लिए बनाए थे, यह क्या हो गया। कहानी की सीख। जो गड्ढा तुम दूसरे के लिए खोदते हो, उसमें स्वयं भी गिर सकते हो। धर्म का मूल संदेश यही है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरों के लिए कांटे बिछाओगे तो स्वयं तुम्हें उन पर चलना होगा। अतः फूल बिछाओ दूसरों के लिए। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय माता।